मतलब इसमें कम नहीं है अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अच्छा ज़्यादा आ गया। फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल 2019 में आप सबको खुश आमदीद। फ़ोन्स बंद कर दें या साइलेंट पे कर दें, ये हमेशा ये हम दरख्वास्त करते हैं। कुछ लोग ऑडियंस में ऐसे होते हैं वो समझते हैं कि दरख्वास्त उनके लिए नहीं है, सबके लिए है, तो उससे ज़्यादा के डिस्कशन थोड़ी डिस्टर्ब होगी, तो साइलेंट पे ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। अब ठीक है, तो आज का ये जो सिनेमा पे हमारी पैनल डिस्कशन है, आपने देखा ही होगा कि इसका उन्वान है फ्यूचर ऑफ सिनेमा इन पाकिस्तान, कमर्शियल अल्टरनेटिव वर्सेस कमर्शियल। सो पहले तो एक ये आप शायद देख रहे होंगे कि जो कमर्शियल सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाले थे लोग वो आए नहीं हैं, उनकी कुछ और मसरूफियात थी। ज़ाहिर अफसोस तो है हमें, लेकिन चलें अच्छा है, उनके पीठ पीछे खूब हम चुगली करेंगे या उनकी उनके बिहाफ पे हम जो हमारे दिल में आएगा वो हम बोल देंगे, चाहे वो सच हो कि ना सच हो। लेकिन क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है और बहुत अच्छे गेस्ट हमारे पास आए हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ज़ाहिर है कुछ ऐसे मेहमान हैं जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी है। तो समिया मुमताज़, इनका ताल्लुक स्टेज टेलीविज़न और फिल्म से है, और अगर कोई नहीं जानता तो डांस की दुनिया से भी है, भरतनाट्यम की एक्सपर्ट हैं। ईमान सुलेमान, जो कि हमारी उभरती हुई अदाकाराओं में से एक हैं, हाल ही में समिया, ईमान और सरमद ने इकट्ठे एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म पे काम किया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आपने वो फिल्म देखी नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी झलक होपफुली हम आपको दिखाएंगे। अमार अज़ीज़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। मेरे ख्याल में अगर हम पिछले 30 साल में देखें, पाकिस्तान में सिनेमा के साथ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्री एज अ कैटेगरी ऑफ फिल्म जनरली उसके साथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो अच्छा अगर डॉक्यूमेंट्री है तो बड़ी कोई बोर सी चीज़ होगी। हालांकि मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का वो हिस्सा है जिसमें बहुत ही आला काम हुआ है और अभी तक हो रहा है, एंड विद पीपल लाइक अमार होता रहेगा। और भी आगे अपनी वो फिल्मों के बारे में आपको बाद में बताएंगे। सरमद खूसट उस सिरे पे बैठे हैं, अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, मंटो भी हैं या थे, बनते रहेंगे। और अब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग का जिस तरह से आगाज़ किया है, एज आई सेड आपको उसकी एक झलक भी दिखाएंगे, वो अपनी फिल्म के बारे में बताएंगे। एक दफ़ा उनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। हमने ख़ुद इस सेशन का नाम कुछ अल्टरनेटिव वर्सेस कमर्शियल करके रख दिया, हालांकि मुझे इस फ्रेमिंग से काफ़ी इख्तलाफ है कि जैसे जंगे मैदान जंग में दो सिरों पे दो फौजें हैं, एक अल्टरनेटिव की और एक कमर्शियल की, और आपस में उनका लड़ाई के सिवा कोई मेल नहीं है। तो ये मैं सवाल अपने सारे पैनलिस्ट से एक्चुअली करना चाहूँगी कि वाकई ये एक कोई अजीब सी फ्रेमिंग नहीं है क्या? वाकई दो अलहदा अलहदा ये स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और इनमें आपस में कोई कभी कोई चीज़ जो है वो कॉमन नहीं हो सकती? सरमद, इफ़ यू'ड लाइक टू बिगिन।
नहीं मीरा, आई थिंक आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल एक वैलिड सी बात है. फिल्म अच्छी होती है या बुरी होती है, या फिल्म देख के आपको मज़ा आता है या नहीं आता, आई थिंक बस बात इतनी ही होती है. समटाइम्स बहुत सो टू से आर्टिस्टिकली बड़ी कोई सुप्रीम चीज़ होती है लेकिन नहीं देखी जा रही होती, या उसको देख के आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही होती है, या आप बाद में ही सोचे अच्छा ये किसी ने पता नहीं क्या कहने की कोशिश की, बात समझ नहीं है. तो वही बात है, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि अब 150 साल हो गया, 125 साल हो गया फिल्म ईजाद हुए, कई हज़ार लाखों की तादाद में फिल्में बन चुकी, हर सिंफ की हर मिजाज की फिल्म आ चुकी. बट आई थिंक फी ज़माना ख़ास तौर पे जहाँ इतना सब कुछ सैचुरेट हो चुका है, मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट इंश्योर कि आप बस उस प्रेशर में नहीं, क्योंकि एक वो जो मुरवजा फार्मूला सिर्फ इसलिए उसको फॉलो करते रहना कि वो सेफ है, दैट इज़ दी ओनली डिफ्रेंसिएशन आई वुड मेक. कि आप बस अभी जिस तरह आई बी ऑनेस्ट, जब बाहर का प्रोड्यूसर कोई, बाहर के प्रोड्यूसर से मुराद ये कि जब मैं खुद अपना कुछ नहीं बलि चढ़ा रहा होता, तो वो जब पैसे देते हैं तो उनकी फरमाइश होती है कि कॉमेडी, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं चल सकता. दैट इज़ लिमिटिंग आई फील. दैट इज़ वेयर आई वुड से इफ दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल सिनेमा, क्लियरली दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा दैन. बट ओवरऑल आई वुड स्टिल से कि जो फिल्म ऑडियंस की तवज्जो अपनी तरफ मतलब मरकूज रख सके, वो 2-2.5 घंटे आपको देख के मज़ा आ जाए, कुछ समझ आ जाए. बट कुछ बहुत सा किसी भी तरह का सिनेमा, मुझे रिसेंट कुछ फिल्मों से बस ये होता है, मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि 2.5 घंटे में जो जैसे बैठा हुआ था वो वैसे ही उठ जाता है. ये नहीं हो सकता, कहीं तो कुछ टस से मस होना ज़रूरी है. जिस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी के 2-2.5 घंटे दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो कोई इनकलाब ले आए, वो मेरी शायद कोई 40 साल की सोच बदल दे, बट कुछ तो होना चाहिए. तो आई डू फील दैट यू नीड टू गो फ्रॉम ए टू बी, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स समथिंग दैट यू वॉलंटरली गो एंड यू नो दैट्स द ओनली थिंग. आई डू फील दैट या ऑन सम लेवल्स इट्स क्वाइट अ रिडंडेंट आर्ग्यूमेंट. जी अमार. And also since I think documentary, generally speaking, हम उसे एक alternative kind of cinema ही कहते हैं, समझते हैं, is that true? And again the same question to you. Thank you, Mira. I think पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि in our part of the world, the medium of documentary has been used by a lot of NGOs for advocacy, which is great, but you know that's the only मतलब लोगों के जहन में perception है कि maybe यही जो NGOs जिस तरह की films बना रही हैं शायद यही documentary है जिसमें कुछ facts and figures होंगे, थोड़े से interviews होंगे, कुछ मतलब you know क्योंकि एक्सपोजर नहीं है लोगों का, शायद उन्होंने वो हमारे यहाँ चूँकि वो इतने मौके नहीं हैं कि हम इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री सिनेमा देख सकें. तो पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्री का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ आप किसी एजेंडा को लेकर ही चलेंगे. डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैन बी एज सब्जेक्टिव एज पर्सनल एज एनी अदर आर्ट फॉर्म. जहाँ तक ताल्लुक है कमर्शियल और इंडिपेंडेंट फिल्म का, मेरा ख्याल है ये तफरीक आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होती जा रही है दुनिया भर में. अगर आप देखें कहीं ना कहीं वो एक मर्जर की तरफ वो बात जा रही है, को एग्जिस्टेंस की तरफ वो बात जा रही है. हिंदुस्तान में हमें ये नज़र आता है ट्रेंड पिछले कई सालों से. हमारे यहाँ चूँकि फिल्म बननी बहुत कम रही है और जो इक्का दुक्का फिल्म्स बन रही हैं यहाँ, तो उनको स्टेट की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है या फिर कुछ ओल्ड स्कूल मतलब कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं जो रीजनल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. आई मीन पंजाबी सिनेमा हैज़ फेडेड आउट सैडली इन द रीसेंट पास्ट, इट शुड एग्जिस्ट. लेकिन एक जो नया ट्रेंड हमें नज़र आता है जिसको हम प्योरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, वो जिस तरह सरमद उसकी बहुत ही वाजिया रोशन मिसाल हैं. तो इनका जो काम है अब मंटो जो है वो क्या वो एक आर्ट फिल्म है, कोट एंड कोट आर्ट फिल्म, या क्या वो एक कमर्शियल फिल्म है? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ द सक्सेस ऑफ अ फिल्म लाइक मंटो. एंड या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ मे बी. जी ईमान, आई थिंक ऑल्सो मतलब फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ एन एक्टर, जो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी लिमिटेड आपके पास रेंज होती है, या आप ये कर लें या वो कर लें, हाउ हैव यू फाउंड, डू यू फाइंड दैट देयर इज दिस डिवाइड? ऑफ कोर्स डिवाइड तो है. जब मैंने सेशन का नाम पढ़ा था
alternative versus mera bhi masla tha commercial. I think a better argument would have been like creative freedom versus censorship agar aap cinema ke future ke bare mein baat kar rahe ho the. Kaam jahan tak I'm sorry, I'm new to this. Let me seek you. Jahan tak kaam ki baat hai, obviously commercial films ka ek formula hai. Commercial films mein kal students ke saath kaam kari thi, main unse puchi thi what is commercial and what is alternative. So they were like, commercial ek formula follow karta hai and alternative kind of deviates from that. So there's a very obvious divide between the two. Merge ho rahe hain nahi ye mujhe nahi pata abhi, but I think saaf saaf pata chalta hai ki there is a divide. Samiya, same question. Same question. Mujhe ye lagta hai commercial to har wo film hoti hai jiska ticket lagta hai aur koshish yahi hoti hai ki aap apne paise recover kare. Agar to hamare yahan koi mainstream cinema hota jo ki state funded hota hai ya koi aise studios hote jo subsidized hote to aur जिनको सिनेमा में स्पेस मिल रही होती स्लॉट्स मिल रहे होते हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये मेन स्ट्रीम है और अल्टरनेटिव वो है जो कि इंडिपेंडेंटली बन रहा है जो कि इन स्टूडियोज से या सब्सिडीज से नहीं फ़ायदा उठा रहा हमारे ऐसा कुछ नहीं है हर फिल्म इंडिपेंडेंट ही होती है अदर देन द वंस जो कि ISPR स्पॉन्सर्ड होती हैं लेकिन उनको भी मेन स्ट्रीम नहीं कहा जा सकता एंड इफ वी आर ट्राइंग टू से कमर्शियल वो है जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल है और अल्टरनेटिव वो है जिसकी कि ऑडियंस कम है तो ये भी एक अनफेयर सी डेफिनेशन मुझे लगती है आई थिंक हमारे यहाँ ये लेबल्स एक्चुअली अप्लाई ही नहीं करते हमारी उस तरह से इंडस्ट्री है ही नहीं अभी तो हम स्ट्रगलिंग इतने ज़्यादा हैं और अगर इसको बढ़ाना है या ज़्यादा मेन स्ट्रीम में बहुत सारा काम देखना है तो आई थिंक स्टेट जब तक हमें सब्सिडीज नहीं देगा टैक्स ब्रेक्स नहीं देगा और हमारी लोकल फिल्म्स को कम टिकट प्राइस नहीं रखेगा आई थिंक ये फिर हम शायद नोज डाइव ना करना शुरू कर जाएं। ठीक तो जो जो हमारी बातें मॉनिटर कर रहा है वो ये भी रिक्वेस्ट सुन लें प्लीज़ और नोट कर लें अच्छा सो अब यही एग्जैक्टली आई एग्री विद यू अब ये एक नया ज़माना भी आ गया जहाँ पर अब सिनेमा घर के अलावा भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं एवेन्यूज हैं ख़ास तौर पे जो आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गई जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है नाउ अगेन दिस इज़ ओपन टू द होल पैनल डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस टू फिल्म मेकिंग इन पाकिस्तान ये सवाल कुछ सालों पहले एक और पैनल पे पूछा गया था तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड होपफुल कि यू नो और भी अब तरीक़ेकार हैं अब आपको लोगों के पास मिनते तरले ये नहीं करने पड़ेंगे कि यू नो बहुत बड़ा बजट चाहिए क्योंकि सिनेमा और टिकट और ये और वो लेकिन उस्मान पीरज़ादा उस पैनल पे मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि हाँ वो सब तो ठीक है हाँ आप यूट्यूब पे चला देंगे आप नेटफ्लिक्स पे कुछ चला देंगे लेकिन सिनेमा तो सिनेमा है वो फिल्म है ये सिनेमा है सिनेमा घर में एक चीज़ देखना जिसके अपने लवाजमात हैं बट आई वुड एज आई सेड दिस इज़ अ क्वेश्चन ओपन टू द पैनल Is this going to make a difference? All these alternative avenues of showing your work. Who would like to start? देखिए एक purist की या एक बिल्कुल cinema को जो एक traditional reverence के साथ देखने वाला इंसान है उसके लिए तो मुझे लगता है कि नहीं वो stage की तरह की एक चीज़ है जैसे theater आप फिर भी किसी ना किसी एक फॉर्म उसकी बरकरार रखते हैं आपको एक लाइव ऑडियंस दरकार होती है आप छोटे बड़े स्पेस में उसको ले जा सकते हैं उसी तरह मुझे लगता है कि सिनेमा और टीवी का ये बुनियादी फ़र्क होता था जहां ना सिर्फ वो फिल्म जो बन रही है बल्कि उसको देखने का जो एक अंदाज़ है वो जो एक कलेक्टिविज़म है उसके अंदर कि जहाँ आप सब इकट्ठे बैठ के उसी आबो हवा में सांस भी ले रहे हैं शोर भी सुन रहे हैं सीटी भी सुन रहे हैं तो वो समहाउ आई थिंक वो जो इमोशन या उसकी तरफ आपकी एक रिस्पांस है वो कलेक्टिव होती थी दैट इज़ व्हाई सिनेमा वाज अ वेरी इट वाज लाइक आई डोंट नो लाइक क्रिकेट परहैप्स यू नो और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती थी जो कि अब मुझे लगता है बहुत अफसोसनाक सी सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है उसमें ग्रेड्स होते थे कि सस्ती टिकट भी है दरमियाने दर्जे की टिकट भी है फिर बिल्कुल आपने पर्दे में बॉक्स में बैठ के ज़रा VIP माहौल सो यू नो समहाउ आई थिंक इट मैनेज टू कट अक्रॉस दैट सॉर्ट ऑफ क्लास डिवाइड आल्सो नाउ इफ आई लुक एट दैट क्लियरली सिनेमा फिल्म जो है वो सिनेमा में देखने की चीज़ है
On the other hand, yes, banane walon ke liye digital revolution ne aasan kar diya, sasta kar diya, kadre. Gharon mein TV hamare bade bade ho gaye, projector khareedna aasan ho gaya. But I do feel ke Pakistan mein phir wohi ke hum abhi bhi ek urban middle class ke liye agar soch rahe hain to wo fark padta hai. I don't think Netflix ki subscription bhi ek aam jo aapki mutawassit tabqa hai jo usse niche keh lijiye wo nahi afford kar sakte. Netflix ko chalane ke liye jis speed ka internet chahiye wo hazaron rupaye mein per month aapko chahiye hota hai. So I still feel ke that's also very expensive at the moment, unless ke koi cheez bilkul muft YouTube pe padi hui hai tab to hai, warna idhar wohi ke hum agar apne is ek chote se bubble ki baat kare jo bade shahar hain jo ginti ke 4-5 hain udhar to shayad fark pad raha hai. But I do feel ke revenue wise bhi main sunta hu badon se ki jo aapke chote kasbe shahar wahan se jo audience bhi milti thi jo paisa bhi aata tha, we are definitely losing out on that. So in some ways we it's like, you know, such a, you know, a two-headed kind of a weird monster jo ek taraf se muskura bhi raha hai dusri taraf se kha bhi raha hai. So I don't know, it's kind of confusing, I'd say. Anyone else would like to weigh in? Eman, would you No? Okay. Add something? I think Netflix ki, I agree with Sarmad ke bahut baat ki baat hai. Agar hum usse thoda niche aa jaye aur dekhen ke YouTube pe aur baaki media platforms par bahut aasan ho gaya hai content creators ke liye ki wo kuch bhi bana ke foran release kar dete hain aur unko wo log dekh lete hain, thoda sa unko ek sense of achievement mil jata hai. Lekin I think it's a kind of a trap. It's done some positive things because now it's more democratic, you know. I don't have to struggle for my work to be, you know, for example, if I make something, I don't have to find a distributor, you know, I can just upload it. Lekin at the same time, it's a bit of a trap which our younger filmmakers need to understand, because when you are breaking the craft, you are compromising a lot on the quality. Film ek traditional medium hai, jis tarah chunke Faiz sahab se mansoob hai ye festival, shayari mein aap dekhen ke nasri nazm to maujood hai. I won't take a lot of time. Just very briefly, lekin ek bahral jo ghazal ka ya nazm ka isi tarah jo uska ek traditional medium hai usko aap completely negate nahi kar sakte. Isi tarah mausiki mein nayi ashkal hain, lekin aap jab craft ki baat karte hain, aap kehte hain khayal gaiki, to aapko usme confined rehna hai. Similarly mera khayal hai film mein bhi kuch cheeze hain aur uske liye aapko ek, you need a theater. Aapko aap har cheez YouTube par wo cinematic experience nahi aap create kar sakte. Aur ab to matlab लैपटॉप पे भी नहीं, अब तो लोग फ़ोन के ऊपर जब फिल्में देखते हैं, उस वक्त तो मेरा दिल चाहता है कि चपेट रसीद कर दूँ, क्योंकि फ़ोन पे फिल्म देखना है मेरे निगाहों में तो गुनाह की बात है. पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, नॉट एवरीबॉडी हैज द प्रिविलेज और द टाइम टू गो टू सिनेमा. और जहाँ तक आप जो बात कर रहे थे, अब एक थिएटर में नॉट एवरीबडी कैन डू दैट कि वो लोग फिल्म बनाए और थिएटर में लाए. नॉट दे डोंट हैव द फंड्स, दे डोंट हैव आगे ओके थोड़ी हो सकते तमाम. अब यार अब आ रही है आप कुर्सी बेशक थोड़ी सी आगे आगे हो जाओ. नॉट एवरीबडी हैज द प्रिविलेज टू मेक गुड क्वालिटी फिल्म्स एंड पुट देम अप. आई थिंक स्पेशली जो हमारी जो पाकिस्तान की यूथ है, दे आर सो टैलेंटेड, जहीन बच्चे हैं, गेट टू वर्क विद देम. उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास एक्सपोजर नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, एंड वी आर अफ्रेड टू गिव देम दैट एक्सेस बिकॉज एक तो वी डोंट वांट टू बी रिप्लेस्ड एंड वी वांट टू बी कीप ऑन वर्किंग. हमें भी डर लगता है. सो आई थिंक यूट्यूब और नेटफ्लिक्स और ये सब, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एवेन्यू एंड आई थिंक इट शुड बी यूज. और लोगों ने अगर फ़ोन पे देखना है, टीवी पे देखना है, लैपटॉप पे देखना है, वो देखें, बिकॉज ये उन्हीं के लिए बना है. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ आई नो आई एम अ प्योरिस्ट मेरी नज़र भी कमज़ोर है, इसलिए शायद मैं जलती हूँ. अच्छा, यस, व्हाट डू यू थिंक समिया? मेरे ख़्याल से ये मुख्तलिफ नौयत की फिल्में हैं. अब तो लोग फिल्में अपने फ़ोन्स से शूट भी कर रहे हैं और उनकी एक अपनी एक्साइटमेंट है, उनकी एक अपनी जगह है. शॉर्ट फिल्म्स भी बना रहे हैं यूजिंग देयर यू नो प्राइवेट फ़ोन्स, एंड आई थिंक दैट उससे और क्रिएटिविटी बढ़ती है. हर एक को अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिलता है. तो उसमें कोई ये नहीं है कि क्योंकि इस तरह की फिल्में बन रही हैं, नेटफ्लिक्स की बन रही हैं या और प्राइवेट चैनल्स की बन रही हैं,
तो सिनेमा वाली जो हैं वो सफ़र करेंगे मेरे ख्याल से. जितना काम होता जाएगा उतने लोग मंझते भी जाएंगे, ऑडियंसेस को भी ज़्यादा देखने की भी का सलीका भी आएगा कुछ. आई थिंक द मोर द मेरियर इन दिस केस. ओके ओके. सो इन फैक्ट मैं आप भी दोनों से ये एक सवाल है कि फिल्म जो लिख रहे हैं, फिल्म जो बना रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक्टर जो होते हैं उनके पास हर वक्त कोई चॉइस नहीं होती कि वो किस तरह की फिल्में बन रही हैं, और अगर जिस तरह की अदाकारी वो करना चाहते हैं, जिस तरह की कहानी में अगर वो काम नहीं हो रहा तो वो क्या करें. हाउ डू यू गो अबाउट सिलेक्टिंग योर वर्क? Yes, please. I think actors भी इसी समाज, इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो जिस तरह की सोच समाज में होती है वही सोच लेके एक्टर भी अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है. तो हम लोग को इतने कट ऑफ तो नहीं होते बाकी दुनिया से, उसी दुनिया में रह रहे हैं. सो मगर जाहिर है क्योंकि खासकर जैसे हमारा मुल्क है उसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ दुनियाएँ बसती हैं, मुख्तलिफ सोचने के तरीके बसते हैं, और उन मुख्तलिफ दुनियाओं से जब डायरेक्टर्स आके आपको अप्रोच करते हैं तो उसमें एक्साइटमेंट भी होती है कि अच्छा हाँ, इस तरह तो मैंने नहीं सोचा था क्योंकि मैं तो अपनी जगह बिलोंग करती हूँ, मगर अगर आपकी ये सोच है तो मेरे पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है मेरी बेसिक एक दो चीज़ें होती हैं जो मैं चाहती हूँ कि वो मीट करें. एक तो ये कि वो मिसोजिनिस्ट किस्म की स्क्रिप्ट ना हो, औरतों की को इस तरह से ना दिखाए कि क्योंकि ये औरत है इसलिए वो ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसकी खसलत का ये खमीर में ये चीज़ है या नहीं है, वो इस चीज़ से ना डिफाइन हो कि वो औरत है या मर्द है. ये बेसिक चीज़ अगर उसके अंदर क्लियर हो और बहुत एलिटिस्ट फिल्म ना हो तो मुझे लगता है कि हर कहानी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होता है, और मैं तो उसका हिस्सा बन जाती हूँ. अब सही है. मैं तो काफ़ी नई हूँ अभी, मैंने दो ही तीन प्रोजेक्ट्स किया अब. आई थिंक मेरा क्या डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्ट स्पेशली एक्चुअली एज यंगर एक्टर हु जस्ट स्टार्टिंग आउट, व्हाट गाइड्स यू इन योर सिलेक्शन? कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है. कॉन्टेक्स्ट आई थिंक, अगर मुझे होता है कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी ना लिखी हुई हो लेकिन कहानी अच्छी हो तो आई विल वांट टू डू इट. बात हो रही हो किसी टॉपिक पे, आई वुड वांट टू डू इट. लाइक मुझे सेक्सुअलाइजेशन ऑफ लाइक वीमेन, मैं थोड़ा तंग आ गई हूँ उससे, तो दैट्स समथिंग. इवन तो मैं सरमद को कुछ अर्सा पहले कही थी मैंने आइटम नंबर करना है, बट टू सेलिब्रेट डांस, नॉट टू सेक्सुअलाइज वीमेन. Like not to celebrate dance. We need to bring. I think Pakistan mein abhi ye shuru hua. I think we need to kind of deviate from that. Ke hum log item numbers mein dance ko kyun nahi celebrate karte hai. You know, something of the sort. So basically, context. Okay. Context acha ho, kahani achhi ho, baat achhi ho, script mein. That's it. And Sarmad, how do you select your actors? No, I think. इसके बारे में मेरी दो राय हैं. एक राय तो पहली मेरी ये होती है कि देखें, अगर आप एक सर्जन हैं तो आपका जो स्टाफ है वो आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें कि मिल के मेरे साथ ऑपरेशन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे. तो दैट मीन्स येस, आई मीन इट्स नॉट अबाउट फेवरेट्स, बट इट्स ऑल्सो सो मच अबाउट कि जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं ये कोई मैकेनिकल नौयत का काम नहीं है. मुझे लगता है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के मिजाज को, हालात को जिनमें आप काम कर रहे हैं, तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो आपके, मेरा ख्याल है वो गो टू पीपल होते हैं, और मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं, तो वो कुछ तो मेरे गो टू पीपल हैं. तो जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ वो शुरू से ही उनकी शक्लें दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं कि इनके साथ काम होगा. लेकिन हाँ, मुझे कई दफ़ा एक अफसोस बस ये होता है कि जब एक अच्छा एक्टर बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, मुझे लगता है वो फिर अपनी एक्टिंग पर तवज्जो देना कम कर देता है. वहाँ बस मुझे इख्तलाफ एक बनने लग गया है कि बस अगर आपका अपना साइज आपके काम से बड़ा नहीं हो सकता, या आपकी अपनी, तो कुछ जगहों पे बगैर नाम लिए, आई डोंट नो, उसमें बहुत से हम भी इसी तरह बिहेव करते हों कभी कभार, लेकिन बस वो मुझे लगता है कि फिर वो जो आप में एक अदाकार के तौर पर जेनरॉसिटी होती है कि इसको कुछ देना है किरदार को, वो ख़त्म हो जाती है. इसीलिए आई थिंक मेरे लिए लोग बहुत मैटर करते हैं,
क्राफ्ट में फिर वही अब नए लोगों के साथ भी काम करता हूँ, सीजन लोगों के साथ भी काम करता हूँ, मिलजुल के करने वाला काम है. आई थिंक ये अकेले करने वाला काम नहीं है. पेंटिंग नहीं है, कहानी लिखना नहीं है, सब लोगों को समझना है. सो आई थिंक फॉर मी वो कलेक्टिव एनर्जी जब मुझे लग रहा होता है इंस्टिंक्टिवली कि इन लोगों के साथ चल रही होगी. सो नो, आई थिंक फॉर मी इट्स स्किल कम्स लेटर. इट्स अबाउट कि सबसे पहले किस का ख्याल या उसकी शक्ल या उसकी पर्सनैलिटी. एंड सेकेंडली आई थिंक अगर बहुत कुछ सूडो बात नहीं लगती तो कुछ एनर्जी मुझे मैटर करती है. सो आई थिंक आई गो फॉर दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि कौन लोग हैं जो इसकी एनर्जी को समझ सकेंगे और इसको कुछ दे सकेंगे एज अपोज टू जस्ट बीइंग अ स्टार. अच्छा अमार की अगर मैं बात करूँ, इनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री है द वॉलनट ट्री, वो 50 से ज़्यादा ममालिक में अब दिखाई जा चुकी है. इट हैज़ वन अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स. सो टू प्रॉन्ग क्वेश्चन. एक तो ये कि क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पढ़ी भी, सो व्हाई डॉक्यूमेंट्री एंड प्लीज़ ऑल्सो टेल अस अबाउट द वॉलनट ट्री. व्हाट इज़ इट अबाउट एंड हाउ डिड यू कम टू मेक इट? Thank you, Mira. To answer your question first, why documentary? So, you know, it's really funny. Sometimes when we meet people, aur wo poochte hain, matlab jo nahi jante, bhai aap kya karte hain? Humne kehte hain ki hum documentary filmmaker hain. To wo kehte hain ki acha, asli filmmaker nahi hain aap, documentary filmmaker. So, abhi tak wo jo medium hai na, humare in our part of the world, you know, it has not been accepted really. You know, one of the reasons which I shared earlier. एक और बात छोटी सी जो आपके पिछले सवाल से जिसका ताल्लुक है कि और एक मास्टर फिल्म मेकर ने ये बात कही थी कि हर बड़ी डॉक्यूमेंट्री थोड़ी फिक्शन फिल्म की तरह ड्रामेटिक होती है और हर बड़ी फिक्शन फिल्म जो होती है वो डॉक्यूमेंट्री की तरह रियलिस्टिक होती है. सो समटाइम्स यू रियली ब्लर द लाइन्स, यू नो, विच आई ऑलवेज डू इन माई वर्क व्हेन वी वर्क विद पीपल हु आर नॉट एक्टर्स बट वी मेक देम एक्ट्स. यू नो, हमारे पास इस वक्त यहाँ पर बड़े मास्टर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फजाद नबी इज सिटिंग हियर एंड ही माइट अग्री विद व्हाट आई एम सेइंग कि आपको कभी कभी वो इंटेंशनली उन लोगों के साथ करना पड़ता है, मतलब उनको एक्ट करवाना पड़ता है और कभी आपको. तो आई हैव स्टडीड बोथ. आई व्हाई डिड आई चूज डॉक्यूमेंट्री? बिकॉज आई फील मोर कनेक्टेड when I and you know my mentor Shirin Pasha, she is a documentary filmmaker and you know she played a very constructive role in shaping up my ideas. So far I choose to tell my stories in this medium, but I am you know, for me it's ye koi transition nahi hogi ki acha pehle to aap ye kar rahe the ab aap ye kar rahe hain. You know, it might just happen anytime, you know, and in my work I blur the line always. A bit about a walnut tree. It's a feature-length documentary film, which is about an internally displaced old man living at the largest refugee or IDP camp in Pakistan called the Jallozai camp, which is near Peshawar. And this person was a poet, Pashto poet. और हमने जब हम initially उस camp में गए, हमारा idea था कि हम बहुत सारी मुख्तलिफ फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट देर वॉज समथिंग अबाउट दिस मैन, यू नो, एंड वी केप्ट गोइंग बैक टू हिम, यू नो, एंड वाइल वी वर फिल्म, बिकॉज यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू हैवंट सीन द फिल्म, मे बी शायद किसी ने देखी हो, एक दो लोगों ने, नो, सो मे बी वी नीड टू ऑर्गेनाइज वन स्क्रीनिंग एट सम पॉइंट. द फिल्म हैज़ बीन स्क्रीन्ड इन ओवर 70 कंट्रीज इंक्लूडिंग द लीडिंग डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स लाइक इदफा विच इज़ इन एम्स्टरडैम एंड हॉट डॉग्स विच इज़ इन कैनेडा. I would love to show the film here. और अगर और Netflix पर नहीं है ये, अगर किसी को interest है, कोई organize करना चाहता है तो please reach out to me. Let's organize a screening and then maybe we can talk more about the film once people have really watched it. But yes, it was a very personal journey for me because my grandparents also migrated from the other side of Punjab, like many of us, to this side. So migration and displacement are the themes that I really feel passionate about. अच्छा, अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो हार्ड कोर कमर्शियल फिल्म को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं आए हैं तो उनके पीठ पीछे हम थोड़ी सी बुराइयां भी कर लेंगे. सो अगेन अ जनरल क्वेश्चन एंड प्लीज़ फील फ्री टू स्पीक योर माइंड. इस वक्त जो भी पाकिस्तानी फिल्म का या फिर इंडस्ट्री, पता नहीं उस कह सकते हैं कि नहीं है सच, लेकिन जो पाकिस्तानी सिनेमा, ठीक है,
कुछ सालों पहले जो हाल था कि बहुत कम फिल्में बन रही थीं, अब धड़ाधड़ हर दो तीन महीने बाद फिल्म तो आ ही जाती है. हाउ डू यू व्यू व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या आपने उनमें से फिल्में देखी हैं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? व्हाट इज़ लैकिंग और एंड व्हाट इज़ कमेंडेबल, लेट्स से? मैंने बहुत सारी देखी नहीं है, मगर बहुत सारी कई एक स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं और ट्रेलर ज़रूर देख लेती हूँ. और मुझे ये लगता है कि ये इस लिहाज से बहुत ही मज़ेदार टाइम है फिल्में बनाने का पाकिस्तान में, क्योंकि आप जो मर्ज़ी बना लें, कोई एज सच हमारा वो बना नहीं है, फॉर्म्यूला कह लें उसको या पैटर्न या ब्लूप्रिंट एज सच नहीं है. जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है कोशिश. लेकिन जब हम ये करते हैं कि क्योंकि किसी और की कोई कहीं और इस किस्म की फिल्म मशहूर हुई थी या बहुत हिट हुई थी, इसलिए हम उस किस्म की बनाएंगे, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, कमी रह जाती है. तो जिन लोगों ने, मुझे लगता है, ओरिजिनल काम किया है, ख़ासकर पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर टच करके, चाहे वो कॉमेडी है चाहे सीरियस है, लेकिन रिलेट किया है अपनी रियलिटी के साथ, वो ज़्यादा लोगों के साथ भी वो रिलेट कर पाई है, कनेक्शन भी बन सका है उनका. जिन्होंने नकल करने की कोशिश की है, मैंने जहाँ तक देखा है, वो कामयाब नहीं हुई हैं. मुझे तो अभी तक यही बात समझ आई है कि जो अपने आप से सच्चे रहें, एटलीस्ट अपने सच्चाई से सच्चे रहें, उनकी ज़्यादा कनेक्शन हुई है ऑडियंस के साथ. व्हाट इज लैकिंग एंड व्हाट इज कमेंडेबल, आई थिंक टेक्निकली हमने तो बहुत प्रोग्रेस किया है, काफ़ी ज़्यादा, और कर भी रहे हैं. वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. लैकिंग, आई थिंक गुड स्टोरी टेलर्स. आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें अपने, आई कीप ऑन सेइंग दिस बिकॉज मैं हर साल एक थीसिस फिल्म उठाती हूँ और मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करती हूँ, एंड देर सो टैलेंटेड, इतने टैलेंटेड है. और हम, मुझे अफसोस होता है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी सरमद दो ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, बाय द वे, विच इज़ वेरी कमेंडेबल. निर्मल बानो एंड फातिमा सितार, आई थिंक वी शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी नाउ, इट्स टाइम. उनको पता है, they know, they have their own voice and they're original. So yeah, not all of them, but koi koi. Ammar? Yeah, sorry. Yes, we want to, okay, go ahead. I think Samiya ne baat kaafi कुजे में बंद कर दी कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जब honesty से कोई भी कहानी सुनाई जाती है और जो जिसकी एज अ स्पेशलिस्ट इन दैट जॉनरा, जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, हम अगर उसके साथ ऑनेस्ट रहें तो बहुत अच्छी कॉमेडी में भी बातचीत हो सकती है, संजीदा में भी हो सकती है, मूड पीस ड्रिवन चीज़ों में भी काम हो सकता है. तो आई थिंक वही बात है कि अगर आप अपनी सच्चाई उसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो कि एक फिल्म में छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपको पता चल जाता है कहाँ आपने सिर्फ एक मिक्स चार्ट बनाने की कोशिश की है, चीज़ें ठूंसी गई हैं. अगर ऑर्गेनिकली एक कहानी है जो हल्ले गुल्ले पे भी मबनी हो, तो वो मेरा ख्याल है वो ऑडियंस अब समझना शुरू हो गई है. तो इसीलिए मुझे सिर्फ वो जो एक कॉमेडी के नीचे किसी ने अंडरलाइन कर दिया ना कि ये बनाना है, और वो कॉमेडी भी सिर्फ एक स्लैपस्टिकी टाइप की कॉमेडी बनानी है. वासे नहीं आया, मैं वासे से लड़ाई करना चाहता था थोड़ी सी इस बात के ऊपर, दोस्त है मेरा उस कैपेसिटी में, विच आई एम सेइंग कि उसकी फिल्मों ने बहुत अच्छा बिजनेस किया. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, बट उसकी फिल्मों ने गड़बड़ ये कर दी कि सबको लगता है सिर्फ ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि वही 50 करोड़ बनाती हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ सिनेमा, आई आल्सो फील डिस्करेज्ड अ लिटिल कि सिर्फ एक ही मिजाज का काम नहीं हो सकता, हर वैरायटी का काम होना चाहिए. और समिया इज एब्सोल्युटली राइट कि बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जहाँ पे सबके लिए जगह है, सिनेमा खाली पड़े हुए हैं, तो उसमें सभी को जगह मिल जाती है. मतलब जब मैं मंटो के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो लॉट ऑफ पीपल वुड बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये आपकी मेन स्ट्रीम में चल रही थी वहाँ पे और लोग देखने आ रहे थे. मैंने कहा हाँ आते थे, हॉल भरता भी था, मैंने कहा हाउसफुल भी होता था, मैंने कहा दोबारा भी लग गई थी उतर के. तो यू नो सो वो उस, लेकिन वो मुझे लगता है बाकी हमारे पास शायद एक मार्जिन है इस पर. मतलब वुडी एलन की फिल्में इतनी मेन स्ट्रीम में रिलीज नहीं करते वो वहाँ पे, यू नो वेमेन सेंट्रिक फिल्मों को वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है. तो यू नो हर जगह के अपने मसाइल और वो हैं. बट द न्यू जनरेशन, टोटली आई फील
थोड़ी सी डायरेक्शन बस सीधी करके, दूसरा उनकी थोड़ी फ़ोन से ऑब्सेशन ख़त्म करवा के अटेंशन डेफिसिट को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लिया जाए, आई टोटली बिलीव इन दैट, दे आर द फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर, टोटली टोटली. जहाँ पे आप बात कर रही हैं कि लैकिंग क्या है, मैं जब कभी कभी किसी सेट पे जाती हूँ इतना ही अफसोस होता है कि जो लैकिंग है वो उनकी तैयारी है. फिल्म तो बनाने बैठ गए, एक्टर्स भी जमा कर लिए, क्रू भी आ गया, कैमरे भी आ गए, साउंड भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता हमने आज करना क्या है, या आज हम ये वाला शॉट ले लें या वो वाला ले लें. वो वाली जो क्लूलेसनेस है, या ये कि जो उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, उसके ऊपर वो बहुत वक्त भी ज़ाया करते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, और ये एक बस जज्बा लेके आ जाते हैं कि हमें एक कहानी सुनानी है, लेकिन उसकी डिटेल्स टेक्निकली उन्होंने वर्कआउट नहीं की होती. ये जो है मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक लैकिंग वाली जगह है हमारी फिल्म मेकिंग में अभी भी. अच्छा, मैंने क्योंकि कुछ महीनों पहले एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी फिल्म देखी है, सिनेमा में नहीं, एक दोस्त के दफ्तर में देखी है, जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा. तो इससे पहले कि उसके बारे में बात करें, आई थिंक हमने उसका एक कुछ क्लिप लाइन अप किया है जी, वो दिखा दीजिएगा. इससे पहले कि मैं फिल्म के बारे में बात कुछ पूछूं, अल्लाह हमारे सेंसर बोर्ड को हिदायत दे कि वो बग़ैर कुछ ज़्यादा काट पीट के पास कर दे, और अल्लाह हमें हिम्मत दे ये फिल्म देखने की.
Let me tell you that. So please, Sarmad, there is film ke baare mein bataiye ki ye idea ke kahan se aaya aur phir banane ka thoda sa process bata dijiye. Just borrowing from this beautiful poetry, I'll just say, kithe meher ali, kithe teri sana, gustakh kiyan, kithe jaal ladiyan. So I don't know, that's literally the thought, ke bas kuch, irdgird ka mahol, mujhe lagta hai, irdgird ke log, irdgird ki hamari kahaniyan, aur ek shadeed saath urge sirf ye thi, ke gham o ghusse ke baghair ek kahani sunani hai, ghusse mein nahi sunani. जैसी भी है जिंदगी इर्द गिर्द हर तरह से चलती है उतार चढ़ाव आते हैं तो आई विल बी ऑनेस्ट इंस्पायर्ड है बहुत से मटेरियल्स से जो हम सब कंज्यूम करते हैं जो कंटेंट हम देखते हैं यूट्यूब पे फेसबुक पे तो कुछ इधर उधर से प्लस दिस रियली रियली टैलेंटेड बच्चा निर्मल बानो एन एनसीए ग्रेजुएट अ फिल्म मेकर सो वी हर एंड आई वी वर्कड ऑन दिस एंड एक बहुत ही और तरह का कुछ इनिशियल आइडिया था उसके बाद वो कहीं गुम गई उसके बाद जब वो आई सो शी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल लाइक यू नो टेक ऑन द होल स्टोरी सो बस वो एक प्रोसेस था और उसमें इसी तरह फिर लोग शामिल होते गए म्यूज़िक के हवाले से साकिन एंड एक्टर्स में समिया ईमान आरिफ जो लीड एक्टर हैं अली द होल टीम सो टू से सो बस ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने अब किसी को नाराज़ करने के लिए या किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं कोई बात कही इसमें हमने बस एक ऐसी बात की है जिससे हम सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ थोड़ी थोड़ी नहीं शायद कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है लेकिन ना किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है ना ख़ुद गुस्सा किया है जिस तरह से हम ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सेलिब्रेट करते हैं इट इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग लाहौर इट इज़ अबाउट celebrating both the ethos and the pathos jo matlab jo zindagi ke hisse hain so that is what zindagi tamasha is all about I feel baki over to Sarmad keh rahe hain ki gham aur gusse se nahi banayi gayi main to jitni der is film ka hissa rahi mujhe laga bahut hi pyar aur mohabbat se banayi gayi hai क्योंकि जिस तरह से उस कैरेक्टर के साथ सिंपथी और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग और सारे कैरेक्टर्स की आप लगता है जैसे कि कोई बहुत रॉ नर्व पकड़े हुए इस बड़ी ज़िम्मेदारी से ये फिल्म में काम जब कर रहे थे ये फीलिंग होती थी कि बहुत इसमें धीमे मोहब्बत से भरी हुई नरमी के साथ जैसे ना किसी टेक्स्ट के साथ या किसी आप स्टोरी को जब डील करते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग होती थी जैसे कोई चिड़िया का बच्चा जब नहीं गिर जाता घोंसले से आप उसको जैसे जैसे उसका ख्याल रखते हैं वैसे ये फिल्म हम मुझे लगा हमने बनाई है दैट्स माय एक्टर्स दैट्स देयर डेलिकेसी के वही मैंने कहा ना कि हम मुझे लगता है हम शोर मचाना शुरू कर देते हैं या गुस्से में हम वो बातें कहते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए तो वो सबने साइड पे रखा हुआ था कि हम अपनी ये बात कर रहे हैं मैं किसी की बात नहीं कर रहा महज मेरे हुलिये से मैं कोई फ़र्क इंसान नहीं बन जाऊँगा मैं हूँ तो वही बुनियादी तौर पर इंसान जैसे हम सब हैं मैं वही ज़बान बोलता हूँ वही खाता पीता हूँ जो मेरे शहर के बाकी लोग करते हैं सो दैट डिवाइड वॉज इन देयर एंड वो जो किरदार के लिए एक आपके अंदर वही जो एक हिस होती है उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं जो एम्पथी होती है वो बड़ी ज़रूरी है तो वो मेरे सब एक्टर्स इंक्लूडिंग मतलब ईमान जो भी खुद को भी कह रही थी कि बहुत नई है लेकिन इसमें एक बड़ी बुड्ढी सी कोई एक एक इम्पल्स है इसकी जो वो पकड़ती है डेलिकेसी है वो आरिफ में भी सो आई थिंक वो एक सेंसिटिविटी के साथ हसास और वो एक नज़ाकत के साथ सब ने मेरे एक्टर्स ने काम किया अदरवाइज आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन पॉसिबल Since Iman ka unhone mention kiya hai and so I would like to ask you, Sarmad, as a director, aapka kya experience raha hai? It's for you, Iman. Yes. Sorry, guys. itne nurturing. बहुत सिखाया है मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया है इससे पहले आपने आखिरी स्टेशन भी तो किया है जी जी आखिरी स्टेशन किया था लेकिन इस दफ़ा तो मैंने आई थिंक टाइम था काफ़ी सीखने के लिए उसमें मैंने इनके साथ एक्टिंग क्लास भी ली है जाकर आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट ही टॉट मी इज़ लाइक इवन व्हेन यू आर ऑफ कैमरा यू गिव योर 100% टू दूसरे एक्टर को हेल्प करने के लिए दैट्स काइंड ऑफ स्टेड विद मी एंड
Yeah. As far as the film is concerned, my film ke bare mein ek cheez kehna chahungi. I think it hasn't, for a change, used Old Lahore as a backdrop. It's not a decoration. I think ek bahut important hissa. For me, Lahore is the most important character of this film. So, yeah. So, 24 January ko release umeed to hai ki ho jayegi. Aur kyunki jaisa ki aapne kaha ki gham o gusse mein nahi banayi aur na hi us gusse se baat ki hai, pyar mohabbat ki baat hai, pyar mohabbat ki ek mahol mein banayi hai. Isiliye maine kaha tha ki Allah hame himmat de ye film dekhne ki, kyunki hame ab gham o gusse ki hi aadat pad chuki hai, pyar mohabbat ki zyada aadat nahi rahi hai. Aap sabka bahut bahut shukriya. Thank you.